नहीं देता था जी। लड़की बोल रही है मैंने 10 दिन हुआ मेरे घर में राशन नहीं है, घर में देखो कोई खाती क्या घर वाले दुआई है जी। बोलती है मेरे को मैं इधर आई हूँ जी, इसीलिए मम्मी मेरे को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मेरी घर की, मेरी मम्मा बता रही थी जी अभी बोल रही है इसको कमजोरी होगी जी, इसीलिए 4 दिन रहने के लिए। मैंने ठीक है, मैंने बहन ठीक है ना जी, ठीक है। उतनी देर में जब मैं लेने आया इसको इधर भगवती नगर की सारी डिजिटल में आया मैंने इसको मोटरसाइकिल दी, तो वो भी आया उसके पीछे, मेरी बहन ने भी घर में जाके लगाया, बोलता है जा रही है, बोला जा उसने बोला मैं जा रही हूँ, अखा जा फिर मैं देख रही हूँ जो करना कर जी। उसके पहले मेरी बहन बोल रही थी मैंने रिस्क की रिकॉर्डिंग की हुई थी जो उधर बोलता है ना, मैं मैडम घर में था जी। मेरे ऊपर भी गोलियां दो गोलियां चलाई, मैं तो दरवाजे के पीछे हो गया, छोटी सी किसी का झगड़ा हो उसको गोली मारो, अभिनव शर्मा शर्मा का रहता था जी, उसकी राज नौकरी एडवोकेट है ना, इससे 5 मिनट पहले मेरी सिस्टर बात कर रही थी किसी से जो अवन शर्मा के गार्ड कोई लंगड़ी हो उसके साथ चंद्र माई क्या कुछ नाम है फोन में बोलती भैया ऐसे बुजी के घर में भी गया मैं ये कर दूंगा मार दूंगा मर जाऊंगा, मैं तो पूरा पता नहीं था क्या बात है जी। मेरी बहन ने बोला ऐसी ऐसी बात है मेरे इधर आए हुए हैं, तो उसने बताया अका मैं उसको अभी नहीं सुबह करूंगा उसने पी होगी जी, दारू शोर लगाया हुआ कोई बात यार बंद कर क्या हुआ तुझे ये विजुअल्स हम आपको जीएमसी के बाहर के दिखा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि पुलिस भी मौके पर है और साफ तौर पर जो मामला है वो खुलकर अभी जो है उस पर बातचीत चल रही है, क्योंकि गोली से इन लोगों की जो है कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि नुकसान हुआ है इनको। और ये जीएमसी जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के फ्लाई मडाल का मामला है, ये फ्लाई मडाल का, और एक का एक इस बात की जैसे ही कहें कि बात सामने आई तो यहाँ पर अफरा तफरी मच गई, और पुलिस भी आप देखते हैं कई थानों की पुलिस यहाँ पहुँच गई है, उस इलाके की पुलिस भी यहाँ पर है, और जो परिजन हैं लोग हैं वो भी सभी यहाँ पर हैं। हालांकि जब मेरे सहयोगी ने आपको लाइव स्ट्रीम से ये खबर के बारे में दिखाना शुरू किया तो किसी परिजन ने हमारे मित्र का जो है वो फ़ोन नीचे भी गिरा दिया, उनको रोष है कि मीडिया क्यों कवर कर रहा है इस इशू को, लेकिन शायद स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हम अभी फ़िलहाल आगे जाना इस समय मुनासिब नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि लोग गुस्से में हैं, रोषित हैं, और कहीं ना कहीं वो ये नहीं चाहते कि मीडिया ज़्यादा इस इशू को कवर करे, नज़र में है ये पूरा इशू, और उसको देखते हुए यहाँ पर आपसी कलह क्या वजह है मैं आपको बताऊं कि ये फ्लाई मडाल का अलोरा गांव है, 3 शव यहां पड़े हैं, जो शख्स है वो पुलिस से जुड़ा हुआ है और अपनी सर्विस वेपन से उसने अपनी बीवी सास को और ससुर को मार दिया है, उनके शव पड़े हैं यहां पर, और जो जितने भी उनके परिजन हैं वो यहां सभी पहुंचे हुए हैं, एकाएक क्योंकि जो शख्स है जिसने गोली चलाई अपने ही परिवार पे, अपनी पत्नी पे, अपने इन लॉज के ऊपर, वो विद वेपन अभी फरार है, और पुलिस हालांकि उनकी उसकी जो है तफ्तीश में जुटी हुई है, उसे ढूंढने में जुटी हुई है, लेकिन परिजन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इस समय रोषित हैं, जैसे ही अब इनके तमाम लोगों को आसपास गांव के भी लोगों को, क्योंकि गांव देहात का मसला होता है और लोग एक एक जो है सभी इकट्ठे हो जाते हैं, तो वैसे ही तुरंत यहाँ पर जो है हम थोड़ा आगे जाके देख पर बात करने का प्रयास करते हैं इनसे।
जो व्यक्ति है वो उनके पत्नी है, सास है और ससुर है, उनकी जो है उन्होंने हत्या कर दी है और खुद वो शख्स जो है अपने हथियार के साथ भाग गया है। दुखद, चिंताजनक, और जितने भी उनके परिचित हैं, रिलेटिव्स हैं, बहुत गुस्से में हैं और वो नहीं चाह रहे कि कोई भी इसको मीडिया कर्मी जो है इसे कवर करे। तो हम भी नहीं चाहेंगे कि उनकी इस समय जो परेशानी में है हम उसमें खलल डालें या इस तरह की कोई हमारी तरफ से कोई कोशिश हो, लेकिन साफ तौर पर मामला जो है पुलिस की नज़र में है और उस व्यक्ति जो कि IRP का बताया जा रहा है, रिजर्व पुलिस का जो व्यक्ति है, और उसे ढूंढने में जो है फिलहाल पुलिस लगी हुई है। खुद यहाँ पर जम्मू वेस्ट के SDPO जो हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं और उनके साथ ही तमाम बाकी जो पुलिसकर्मी हैं जो उस इलाके के फ्लाई में डाल के वो भी आए हुए हैं, और जो परिजन हैं उनसे भी बात करने का जो है प्रयास इस समय चल रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा विजुअल में, ये वो शख्स है, ये वो शख्स है जिसने अपनी धर्मपत्नी को मारा है। ये और नहीं नहीं फोटो नहीं बोला ना, एक बार संपूर्ण फोटो नहीं फोकस क्यों कर रहा है, और ये उनकी धर्मपत्नी है साथ में, फोकस ही नहीं कर रहा यार, मैं समझा रहा हूँ, नहीं समझा रही मेरा हूँ ना, समझ नहीं रहे आप। तो ये शख्स है, ये साफ तौर पर पुलिस में थे व्यक्ति और उनकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है, पत्नी साथ में थी। क्या वजह है, आपसी कला, परिवार की कोई रंजिश, ये तो आगे तफ्तीश में पता चलेगा जब खुलकर बात सामने आएगी, लेकिन एक ही परिवार के जब तीन लोगों की मौत हुई है और लोग काफ़ी गुस्से में हैं और बात नहीं करना चाहते हैं। शव यहीं पर ही हैं, ये सामने जो है इमरजेंसी सेक्शन है जम्मू मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, और बिल्कुल आपको पूरा मामला बताया है। ये यहाँ पर हम आपको एक मिनट, ये यहाँ पर कुछ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको पता है आपके इलाके के? नहीं, मेरे इलाके के नहीं, आप कौन है? मतलब अच्छा, आपके भी पेशेंट है। मैं देखना चाहूंगा, ये भी अभी दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये मतलब बता रहे हैं, एक मिनट। तो मैम हमको खुद नहीं पता, आए अचानक बोला आप प्रमोशन हो गई मेरे को, मैं आपका मीठा मुँह करवाने आया हूँ, मैं तो शहर था सिटी में था, मैं तो वापस आप बोला उसको भी बुलाओ, मेरे चाचा मेरे को फोन करके बुलाया वो जल्दी कर मेरा, मैं जल्दी आ रहा था, उन तीनों सबको बिठाया, उन्हें बोला लेट आएगा, सबको बिठाया ऐसे, पहले एक हवाई फैट किया, किसी को बात करने का मौका नहीं दिया, किसी के साथ बात भी नहीं की, उड़ा दिया सबको। ये तो खलवाड़ हो गया ना, पहले ये बताओ वेपन क्यों दिया जाता है, जब ड्यूटी खत्म हो जाती है क्यों बोलते हैं वेपन घर में लेके जाओ, बीपी के साथ मारी मीटी झगड़ा झुगड़ा होगा गोली मार के उड़ा दो, इसलिए दिया जाता है, किसी दिया जाता वेपन बताओ मेरे को, आज तक इसका फैसला होगा, पहले दो तीन बार इसकी केस हो चुके हैं, ये सही पता बिल्कुल सही, कभी अखनूर हुआ, कभी एक दो जगह और भी हुआ है, रजौरी भी हुआ था, तो क्या किया आपने, मीडिया लेके, मीडिया वाले क्या करते हैं, फोटो डालते हैं आगे डालते हैं, क्यों पैसा मिलता ना, पैसा मिलता है आगे अपने नंबर बनाते हैं, हमने ये किया ये किया, आप लोगों को है अफसोस, आपकी माँ बहन सबकी होगी घर में, बिल्कुल हाल नहीं होता, किसी के साथ भी होगा तो आप क्या करोगे, बर्दाश्त करोगे क्या करोगे, हमें फैसला चाहिए, कब छोटे छोटे बच्चे हैं, चार पाँच साल के दो बच्चे हैं, बांझा और नहीं बांझी, उनको कौन संभालेगा, मैं और मेरा भाई है, दोनों बेरोजगार है, कोई काम कोई कुछ नहीं है, उनको कौन पालेगा, हम अपनी दिहाड़ी लगाने जाएंगे या उनको देखेंगे, ये बताओ कौन पालेगा उनका, आपकी पुलिस को खर्चा तोड़ सकती है उनका, क्या कर सकती है, ये मेरे माँ बाप उनको ला सकती है वापिस, क्या कर सकती है, अभी उसके माँ बहन दो तीन बहनें हैं, उनका भी था अफेयर, कभी किसी का था कभी किसी का आया, ये जमाना है, उनको कुछ बोलना मसला उनका था, आके यहाँ पे गिरा दिए, क्योंकि बोलना पाप है, जब कोई पकड़ा जाता घर वाले से नहीं बर्दाश्त होता, वो गुस्सा किसी में निकालता है, जब कोई बीवी बात करती है उसमें निकालता है, शराब पी के आता है उड़ाता उनको है, तो बहन को नहीं बोलता बीवी जी, तो आप लोगों का क्या मसला, आप लोगों को कुछ किया, पुलिस वालों को पूछो उनकी बहन ने कुछ अरेस्ट किया कुछ,
या मोहल्ले वालों को पूछो कि जो लड़की मरी गई अभी मरी गई, जो यहाँ पे रहते हैं उनकी सरपंच पंच को पूछो लड़की कैसी थी, अगर कुछ ऐसा था वातावरण में कुछ भी था तो हमें बताओ, या आप करो जो भी होगा। जो आपके जमाता थे आपकी बहन के साथ में पहले भी शराब पीकर मार कुटाई करते थे? पहले भी काफी बार हो चुका कि कोर्ट केस तक मसला हुआ, ये कोर्ट केस पहले भी हुआ था। इसका मासी का लड़का रहता है, कंप्रोमाइज कराते हैं, हर बंदा ये चाहता कि मेरी बहन कैसे छोड़ छाप में मत पड़े, यही चाहता कि कंप्रोमाइज करवा देता है और कुछ नहीं होता मसला। 5,000 रुपया देता था बस, मैं फैसला ये हुआ 5,000 देता क्या क्या कुछ नहीं होगा, फिर भी मैं यहाँ पर खुद से बेचता था बहन को। यहाँ पे पढ़ लिया सबको पूछा, हमारे गाँव में पता है कि छोटे बच्चे यहाँ पे रहते थे, हम खुद खर्चा तोड़ते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, कोई हमारे अफसर नहीं लगे हैं, पुलिस वालों के साथ किसी गोली गोली नहीं मारते, दिहाड़ी लगाते हैं, 200-300 दिन लगे। तो पुलिस वाले अब क्या बोल रहे हैं? पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अभी कर दिया, गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो बंदा गड़ाके मारा मेरे को, गड़ाके मार रहा है, गड़ाके मार रहा है, देख मैं तो कुछ क्या होगा, सजा सुना देगा क्या हो जाएगा उसका, क्या जाएगा, सस्पेंड कर देगा नौकरी से, क्या होगा उसका, क्या जाएगा, क्या बिगड़ेगा क्या उसका, वो तो खुश है, उसका खुश को गोली मारी उन्होंने, बिक गया तो मेरा ना, उसको फांसी चाहिए और हमें इंसाफ चाहिए, ऐसे उसकी बहने भी अरेस्ट होनी चाहिए, बहने बनाए और पूरा परिवार उसका अरेस्ट होना चाहिए, ताकि बंदों को पता चले कि कैसे गोली मारी जाती है उसको। तो यही है ना, घर में जमीन होगी थोड़ी सी, मैं ऐसे भी कर लूंगा, सस्पेंड ही किया जाएगा ना, बंदे मार दिए, ये फैसला बस सस्पेंड की वो होते हैं पुलिस वालों को, तक सस्पेंड किया जाएगा, क्या जाएगा मेरा, बस ये मसला में इंसाफ चाहिए, फंसा जाए फांसी चाहिए। एक बात और भी है, जैसे वो करते हैं ना वैसे वो नहीं करता, वो अपने दिमाग से वो कुछ नहीं करता, हर जो बहने उसकी और जो बनोए वो करते हैं सारी बात, ठीक है, उनकी दिमाग चलता है, वो कुछ नहीं करता, अपने मर्जी से वो कुछ नहीं कर सकता, ये हमें पक्का पता है, जैसे वो बोलते हैं उसकी माँ बहन बनोए जैसे बोलते हैं वो वैसे ही करता है, ठीक है, बकायदा 2-4 बार उसने जो मार कुटाई की उनकी वजह से ही की, जो मार कुटाई की जब पुलिस के पास आप लोग, हाँ, तब पुलिस किस तरह से सहयोग करती? पुलिस मैम पुलिस कोई सहयोग नहीं करती, पुलिस नहीं करती है, वो खाली शोषित होती है, जहाँ से पैसा मिल गया वहाँ चली जाती है, ये नौकरी जब अपनी ड्यूटी से जा रहा है उसके पास रबड़ कहाँ से आ गई, आपको किसने कैसे उसने मार दिए, मार दिए तीन बंदे, कहाँ से आई वो, कैसे मार दी उसने, वो क्यों नहीं उसकी जमा हुई, वो कल इस फोटो की वीडियो बना रहे हैं, कल इसके बाद फोन रफल होगी, क्यों नहीं इसकी बीवी का झगड़ा हुआ गोली मार के उठा देगा, पूछना चाहिए उनसे कि क्यों ये रफल जमा क्यों नहीं जमा हुई, क्यों उसके पास लेके गए, अगर नहीं लेके जाता तो ये सब कुछ नहीं होता, तो पुलिस वालों को ये सब नहीं होता, पुलिस वालों और मिलिटेंट में फर्क क्या है ये बताओ पहले मेरे को, ये आप हर जगह जाओ पूछना चाहिए उनसे कि क्यों गई, किसकी वजह से गई और क्यों गई, किसकी प्लानिंग थी ये रफल लेने में, उसकी माँ को पता चलना चाहिए ना, जो उसके साथ फूट जाता है उसको पता होना चाहिए कि किसकी वजह से मैं जाऊंगा, कुछ नहीं होता, मैं हूं ना, मैं मार दूंगा, मेरे का क्या, मेरे को अंदर उठा के ले जाएंगे, क्या होगा, मैं यही सोचोगी ना, उसकी माँ बहनों को सजा चाहिए, उनका पवाड़ा सारा सारा पंगा ही उनका है, उनके पूरे मोहल्ले में रिकॉर्ड, माँ बहनों का पूरा रोल है, अपनी मर्जी से वो कुछ नहीं कर सकता, सब साथ दे गोली मार के साथ दे, वो कुछ नहीं कर सकता, अपने उसमें जिंदा दिमाग नहीं है कि वो अपनी मर्जी से ये सब करे, अकेले अकेले किसी बंदे की इतनी हिम्मत नहीं, जो बचा उसकी भी बहुत अपनी पावर से बचा दिया, किसी के सपोर्ट ना हो बंदा कुछ नहीं करता, चाहे बंदा नशे में मारपीट होती थी तब भी वो इन्वॉल्व होता था, इन्वॉल्व होती थी, वुमेन सेल में या कंप्लेने लगी है, उसकी माँ भी बाल खींचती थी, सब कुछ कंप्लेने हुई है, सब कुछ यहाँ पर आज का मसला नहीं है, 7 साल हो गया हमको भुगते हुए, ये हर बंदा यही चाहता है कि मेरी बहन का मसला या शोशा शराबी मत पड़े, जहाँ पे वहाँ पे दब जाए, यही चाहता है, 5,000 रुपया देता था, कहता ये देता हूँ मैं कुछ, मीने हालांकि गालियाँ निकालता हमें भी, क्या हम सुन रहे, मेरे पास उसका नंबर तक नहीं है, मानोगे नंबर नहीं रखा, क्यों रखना मैंने नंबर उसका, नंबर तक नहीं रखा, क्यों रखना उसका नंबर मेरे को, मतलब ही नहीं, जब गालियाँ निकाले बंदा उसको क्यों करना, जहाँ वो करता था, जब मिलता था गाली निकालता ऐसे मुँह हाथ में देख लूंगा, देख लूँगा आपका नंबर है, ऐसे वो सोचता है छोटे छोटे हैं, मैं काफ़ी हेल्थी हूँ, ठीक ठाक से, तो नौकरी का गमंडा ऊपर से, ये मसला है, आप लोग क्या करोगे बात से, आपके कुछ नहीं मसला, आपके मस का रोग नहीं है, आप वीडियो बनाओगे चले जाओगे बस, शोशा बना दोगे, हमने वहाँ से पैसे मिल गए, हमारा काम हो गया बस, ठीक है, हमें सजा चाहिए, वहाँ पे बंदे फांसी सजा चाहिए, रजिंदर हमें उसकी फांसी की सजा चाहिए, अभी इनके साथ उनको जलाना हमने, ये बात याद रखना, इनके साथ ही उसको जलाना हमने, उसका नाम है रजिंदर कुमार, अरजीत कुमार घर में उसको बोलते हैं रवि, गैंसू में गैंसू मार पोस्टर अभिनंद, क्या नाम उसका, अभिनव अभिनव शर्मा के साथ रहता था उसमें, उसका गार्ड था, ड्यूटी अभिनव शर्मा, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, उनके साथ रहता था, हाँ
वो मसला था, वो उसको यही था, मेरी सपोर्ट है, वकील भी है, हम कुछ मैं सब कुछ कर सकता भूख सकता हूँ, उसका यही सपोर्ट थी, कोई नहीं बस यहाँ घर वालों की सपोर्ट है, हमें घर वाले उसको अंदर जाइए, हमके माँ बाप उसको पता चले ना कैसे होते हैं, इनका हक था रेफर कैसे मिली, जब ड्यूटी खत्म हो गई, जब ड्यूटी खत्म हो गई उसको रेफर की परमिशन करने की, ये बताओ पहले मेरे को घर में रेफर लेने की, ये फैसला ऊपर तक जाने यार परमिशन क्यों मिल गई, रेफर क्यों मिल गई, ये किसकी प्लानिंग है, ये सारा पता चलना चाहिए हमें, किसी किसी की प्लानिंग है, रेफर की है, जब खाना चाहूंगा और यहां पर लोग भी हैं, पुलिस का मसला दब जाए, दब जाए, जब उनकी माँ बहनों के साथ ऐसा होगा ना फिर आएगा तब मसला बाहर, ऐसे कुछ नहीं आएगा, बस मैम ये पॉइंट है, मैं कह रहा हूं ये उनके जो मृतक महिला उनके बेटे हैं और जो शख्स है वो बताया जा रहा है कि अभिनव शर्मा एडवोकेट, उनके साथ उनका जो बॉडीगार्ड है, और ये शव है यहाँ पर तीनों युवती के, उनके माता पिता के, एक ही घर के तीन लोगों के शव, बॉडी नहीं दिखाते, हालांकि जो परिजन हैं वो बहुत ज़्यादा आहत है, बहुत दुखी हैं, बहुत गम में हैं, और वीडियो कॉल बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने ये घटना को अंजाम दिया है, जब उसने वीडियो अलोरा गांव का ये पूरा मामला है फ्लाई मडाल का, और जब ये कि शख्स ने ये घटना को अंजाम दिया उसके बाद वीडियो कॉल पे वो हंसता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा परिजनों का कहना है, उनके तमाम परिजन यहीं पर ही इकट्ठा है, भैया क्या नाम जिस व्यक्ति ने ये किया उनका नाम क्या पूरा नाम नहीं पूरा पता, और साफ तौर पर जिस तरह से ये इनका सवाल यही है कि अगर कोई पुलिसकर्मी है किसी की सुरक्षा में तैनात है तो उसके पास तो वेपन्स होता है क्योंकि उसकी ड्यूटी ऐसी होती है, लेकिन वो हथियार लेके अपने घर जब जाता है और ये घर अपने गया अगर, तो इनका ऑलरेडी जो है वो मसला जो चल रहा था पुलिस में ही था, ये पूरा मामला दर्ज वुमेन सेल के अंतर्गत, और पहले भी जो हाथापाई का पारिवारिक कलह है वो सामने देखने को आती थी, और पहले भी हाथापाई मारता था वे अपनी पत्नी को, तो अब इसने कहीं ना कहीं रसूख दिखाया, क्योंकि जो युवती का भाई है वो बोल रहे हैं कि हम दिहाड़ी लगाते हैं, हमारी कोई अप्रोच नहीं है, और वो हमें भी गालियाँ निकालता है, तो हमने उससे सारा सरोकार ख़त्म कर दिया है, लेकिन क्या करें, वेपन लेके आया उसने मार दिया, हमें भी आगे डर है, और पावरफुल व्यक्ति के साथ वो लगा हुआ था, शायद इसी बात का उसे कोई मलाल या डर नहीं था, लेकिन फ़िलहाल अगर हम बात करें यहाँ पर ये तमाम जो लोग हैं और ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें जो है इंसाफ जल्द से जल्द दिलवाए, क्योंकि जो व्यक्ति है वो अभी भी फरार है, परिवार वाले बहुत ज्यादा इस समय आहत है, कोई वीडियो है ये क्या है? नहीं वीडियो नहीं है, उधर कौन जब वेपन बे फायरिंग हो रही है तो कौन वीडियो बनाएगा, नहीं कोई कह रहा ना कि वो वीडियो कॉल करके हंसते हुए वो, अरे वो पुलिस वाले जो अनिल खड़ा ना वो देख रहे हैं, वो मैंने उन्हें देखी, उनके मैंने नहीं देखी, कोई क्या रिश्तेदारी में क्या, अरे मेरे गाँव के हैं यार, हाँ गाँव के हैं, अरे जैसे हमें पता चला हम गए हैं तब तक वो अपना गाड़ी लेके वेपन ले गया था, गाड़ी स्टार्ट किया भाग गया, कोई था अकेला था वो अभी देखने आप लोगों को पता नहीं, मैंने नहीं देखा, मैं साइड पे था, जैसे मेरी बच्ची आई और डैडी जी उधर देखो क्या हो रहा है, मैंने बोला देखा इतनी दुनिया टार्चे जलाई जा रहे, बात क्या हो रही है, पर जब देखा जब पहुंचा तो उसकी जो ससुर थी उसकी डेथ हो रखी है, बोलते उसकी जो बीबी है और जो उसकी वो अपना सोहरा वो हॉस्पिटल लेके गया, मैं सीधा इधर पहुँच गया, जब देखा इनका ये खत्म हो चुके हैं, लड़के बच गए हैं, उसका एक लड़का
बच गया। उन्होंने उसने अरे उसकी 18-19 साल उम्र है। उसने क्या कि जब वो फायरिंग किया उसने दरवाजा तोड़ा और बाहर पोजीशन ले लिया गया हूँ मैं, तब बच गया वो। अगर उसको मार देता वो पहले भी कभी इस तरह की इसने मतलब मार खा था पाई वो करता था। अरे घर में तो ऐसा हर बंदे की होती है वो, जैसे आप तो आपकी भाई के साथ होगी मेरी भी होगी वो होती रहती है। पर ये उसने बहुत बड़ा ये हादसा किया, इतना हादसा होना चाहिए बट हम सोच रहे हैं कि उसको सजा होनी चाहिए। अभी जैसे 3 मिनट के अंदर इन्होंने मारा तो 1 घंटे के अंदर उसको भी सजा होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यही है, हमें तो ज़्यादा क्या बोलें, बाकी देखते हैं। इधर व्यक्ति का नाम क्या पूरा जिसने, एक का तो एक का रमेश है, अंडी एक का रमेश है, आंटी का क्या नाम राजकुमारी, तो कुड़ी का सीमा देवी, और जिसने मारा उसका नाम है रवि, वो है गजन सुखा, वो है पुलिस में और वकील के साथ वो ड्यूटी करता है बस। ये गांव के उनके साथ के लोग हैं और साफ तौर पे बता रहे थे कि रवि जो है निक नेम है उस व्यक्ति का जिसने ये पूरा घटना को अंजाम दिया है, और एडवोकेट अभिनव शर्मा जो कि ये लोग भी बता रहे हैं कि उनके साथ वो ड्यूटी पर थे ऐसे उनके बॉडीगार्ड हैं, और गजन सुमड़ के रहने वाला है खुद, लेकिन उसकी जो ससुराल है वो अलोरा फ्लाई मडाल का था, वहाँ आया गाड़ी लेके और जो अपनी मतलब गोलियां मारी, और जैसे ही यहाँ पर इनको लेके पहुँचे तो इन सबकी जो है इनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया। ऐसा हादसे ज़्यादा देखने को नहीं आते हैं जम्मू में, लेकिन ये एक आपसी कहें कि कलह है क्योंकि ऑलरेडी ये पुलिस में इनका मसला चल रहा था, कोई हफ्ते जो भत्ता था जो मासिक भत्ता वो भी देने की बात की गई थी, लेकिन शायद उस व्यक्ति को बिल्कुल भी इस चीज़ का गम नहीं है कि उसने क्या किया है। वीडियो कॉल करते हुए वो देख के हंसते हुए दिखा, और तमाम ये इनके रिलेटिव हैं उनका ये कहना है कि वो व्यक्ति जो 3 लोगों को मार चुका है और उसके बाद वो हंस रहा है, उसकी मानसिक हालत क्या होगी और वो कितना खूंखार, और वो बाकी लोग इनके परिवार के हैं वो इसी चीज़ से डरे हुए हैं कि अगर वो घर में आके 3 लोगों को मार सकता है तो बाकी लोगों का क्या करेगा, क्योंकि जब तक अगर उसे पुलिस नहीं पकड़ती क्योंकि अभी वो फरार है। हालांकि पुलिस की कई टीमें चाहे वो फ्लाई में डाल ठाने की हो, गजन सुखी हो, सभी उसको ढूंढने में लगी हुई हैं, और चाहे वो किसी भी VVIP के साथ अपनी ड्यूटी दे रहा हो, लेकिन इस तरह की घटनाओं से ऐसे लोग बचते नहीं हैं मानसिकता। और सबसे बड़ी बात ये लोग भी यही कह रहे हैं कि वेपन आपने किसी की सुरक्षा के लिए उन्हें दिया गया है, लेकिन वही व्यक्ति अगर अपने ही आपसी कोई रंजिश को इस तरह से उसमें उसको वेपन को इस्तेमाल करे अपनी सर्विस वेपन को, तो ऐसे कैसे चलेगा। और क्या श्योरिटी है कि बाकी जो भी इस तरह के लोग हैं जिनके आपसी कोई कलह चल रही है और कोई पुलिस में है कोई सेना में, और कई बार हम देखते भी हैं कि अपनी सर्विस वेपन से या तो लोग सुसाइड कर लेते हैं या फिर किसी और को मार देते हैं अपने परिवार वालों को, तो इस चीज़ पर क्या कुछ आगे रणनीति होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल परिवार वालों को यही कहना है कि जल्द से जल्द पकड़ा जाए, हम यही चाहेंगे कि हमें इंसाफ मिले क्योंकि माँ बाप मर चुके हैं, बेटी मर चुकी है और लोग काफ़ी गुस्से में हैं। जम्मू से हम आपको ये खबर GMCC से दिखा रहे थे, आगे जो भी अपडेट होगी लगातार बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू।